मेरे नाम श्री भक्त ने डॉक्टर रिया साहब ये नबीपुरे तो बिलोंग करते हैं पेशावर डॉक्टर तो है ने लेकिन इनका नाम जरा फलाही कामों बहुत ज़्यादा गूंजद अपनी दुकान के बैठ के ये अपने जोगत भी काम करते हैं लेकिन लोगों की जिनी खिदमत करते बड़ा वाला जुमला इन्होंने बार दुकान पर लिखे है कि बाबा एंड माई मुफ्त लैन दुध तो दवाई ये खिदमत करते हैं माइया की बाबिया की मैनू इंज लगता है कि इन्होंने इन्नी कु दुआ लगती है अल्लाह ताला उन्होंने इन्नी कु दुआ कबूल करता है कि साढ़े इलाके के जो मोहतबर लोग ने उन्हों का भी उच्चा अल्लाह ताला ने इन्हों का मुकाम बनाया। मैं दावत दियांगा तशरीफ लियांगे जनाब डॉक्टर रियाज इब्राहिम साहब इन्होंने एक नज़मा लिखिया ने नज़मा तो बहुत सारिया लिखी इन्होंने एक धोखा आया कि इन्होंने नाल एक बंदा ना बहुत वड्डा फ्राड करके तो आयरलैंड चला गया तो इन्होंने ना अपने नज़मा दे विच उस गल नूं बड़ा हाईलाइट किया अच्छे अंदाज नाल हाईलाइट किया सारा कुछ मैं दसांगा तो तुहाडा मता गुआच जाएगा। ये डॉक्टर रिया साहब भी जनाब अपने उन्होंने नज़मा दे विच ये सारे मामले को हाईलाइट करेंगे। जनाब डॉक्टर रिया साहब अज के इस पंजाबी बैठक प्रोग्राम दे विच मैं अपना लिखा हुआ एक कलाम पेश करना वा। अजक साढ़े एक ग्रुप चलता है वो ना एक बंदा जो फ्रॉड करके चला गया तकरीबन 2.25 अरब रुपए का साढ़े दोस्तों को कट्ठा लैके चला गया उन्होंने अजराए हमदर्दी जड़े ना तो उन्होंने मुतलक ना कुछ हर दूजे तीजे दिन नज़म पर लिखी दी अज जी मैं लिखी है वो सिर्फ थोड़ी जी तुम सुना ये जरा तरन्नम के नाम चढ़िया या इलाही आजकल क्या होता तुम बैठ के यहाँ वहाँ कोई रोता तुम या इलाही आजकल क्या होता तुम बैठ कर यहाँ वहाँ कोई रोता तुम एक कंजर सबको दाजो ला गया। एक आदमी था जिसे हम सबसे मौजस ख्याल करते थे वो कराची से बिलोंग करता था वो जब आता था वो चीफ पैटर्न था योगा ग्रुप का हमारा उसको हम बहुत इज्जत देते थे डोल्ड मक्के के साथ उसको लाते उसको इधर इज्जत देते हैं इतने बड़ी इज्जत देते सू इत लिया इतने पाता खरीदे सन वो सू पता नहीं है 4-5 साल उन्हें ऐसा चक्कर चलाया सानू अपना गर्विदा करके तो फिर उन्हें बाद चो साढ़े सारे दोस्तों को बेचारे माड़े भी नहीं उन्हें बख्शे तो तगड़े भी नहीं बख्शे किसी को 60 लाख लाया गया किसी को 40 लाख लाया गया किसी को जिन्हें जिन्हें फसे ने कट्ठे करके तो वह आयरलैंड भज गया आयरलैंड चला गया उ जाके तो फिर पता लगे नैब न पता लगे उन्हें चेन वो बंदा भज गया से वह एक साथी गिरफ्तार होया सैफुर रहमान साहब ने चलो खैर वो सा नहीं पता लगे एक कंजर सबको दाजो ला गया इसलिए ये गमजदा होता है तुम या इलाही आजकल क्या होता तुम मैंने देखा है जहां में जहां जहां मैंने देखा है जहां में जहां जहां लोग मांगे थोड़ा छोड़ के जो खत्म या इलाही आज कल क्या होता तुम तू जो मर जाएगा सब कुछ छोड़ कर तू जो मर जाएगा सब कुछ छोड़ कर साथ तेरे जाएगा बस दो कदम या इलाही आजकल क्या होता तुम ख्वाब में भी तेरे सब कुछ आएगा ख्वाब में भी तेरे
किया और जब तुम सोता तुम या इलाही आज कल क्या होता तुम रोजे महशर क्या तुम दिखाएगा रोजे महशर क्या तुम दिखाएगा कल को काटेगा जो आज बोता तुम या इलाही आज कल क्या होता तुम या इलाही सुन तो डॉक्टर की सदा या इलाही सुन तो डॉक्टर की सदा दे हदायत बेवक्त क्यों होता तुम या इलाही आज क्या होता तुम बैठ कर यहाँ वहाँ कोई रोता तुम या इलाही आज कल क्या होता तुम अपने देश विदेशी इत जीना होया आजाद साढ़े पैरी संगल मंगाई दे सन कौन करे आजाद जाबर कर दे राज साढ़े सिर ते बोझ वे अन्न दा असी पढ़िए किवें किताब साढ़े सिर ते बोझ वे अन्न दा असी पढ़िए किवें किताब ਇੱਥੇ ਫੱਟ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤਜ਼ਾਬ ਓਏ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫੱਟ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤਜ਼ਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਹਰਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਹਰਾਬ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਝੂਮਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਝੂਮਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਏ ਅਨਾਜ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲੋਂ ਕੈਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਬਰ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਇਹ ਸਨ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ